हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त एडुकेटर शानी और आप सभी को मेरे चैनल शानी लाफर बुक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे डिस्कवरिंग टूर द सागा कंटिन्यूज। जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग वही चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था कि क्यों हावर कटर मजबूर हो गए थे इस मॉमीज की बॉडीज को कई भागों में काटने की। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल ही देखे थे कि मम्मीज की जो बॉडी थी उसमें रेजिन इस तरह सीमेंट की तरह चिपक गई थी कि उनकी बॉडी बिल्कुल ही कॉफिन के अंदर अटक गई थी। तो इसके लिए भी हावर कटर ने अपने जो कॉलीग थे, यानी अपने जो जो लोग थे, उन लोगों को उन्होंने ऑर्डर दिया था कि वो लोग आके रेजिन की, यानी जो मम्मीज की बॉडी से रेजिन निकालने के लिए उनकी बॉडी को कई पार्ट में कट कर दे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सरे जब हुई मम्मीज की बॉडी की, तो उस एक्सरे रिपोर्ट में हम लोग क्या जान पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके लिए मैं अलग से पॉइंट कर दी हूँ कि एक्सरे ऑफ किंग टूट्स मम्मी। तो अब हम लोग देखेंगे जब उनकी बॉडीज की एक्सरे निकाली गई, तब एक्सरे रिपोर्ट में क्या क्या हम लोग देखे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि 1968 मोर देन 40 इयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी एंड एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि 1922 में हावर कटर पहले इस तुतनखम की जो मम्मी थी उनकी डिस्कवरी की थी। लेकिन फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2005 में आके फिर से आर्कियोलॉजिस्ट लोग फिर से उनकी मम्मीज की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस दो टाइम पीरियड के बीच में भी एक टाइम पीरियड ऐसा था जिस समय इस मम्मीज की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुई थी। वो कब थी फ्रेंड्स? वो थी 1968 में। उस समय भी एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे जिन्होंने इस तुतनखामुन की मम्मीज की एक्सरे निकाली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं उस एक्सरे रिपोर्ट में क्या था। तो इसके लिए भी यहाँ पर बोला है इन 1968 मोर देन 40 इयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एंड एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट। तो जब उन्होंने उनकी बॉडी की एक्सरे निकाली थी, तब उन्होंने एक स्टार्टलिंग फैक्ट बताया थे। तो वो कौन सी फैक्ट थी फ्रेंड्स? वो थी बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक चौंकाने वाला रिपोर्ट था। क्या रिपोर्ट थी फ्रेंड्स? रिपोर्ट ये थी कि बीनीथ द रेजिन मींस उनकी बॉडी के ऊपर तो रेजिन लगाया हुआ था। तो जब उस एनाटॉमी प्रोफेसर ने इसकी एक्सरे निकाली, तब रिपोर्ट में ऐसा आया कि जो रेजिन थी उनकी बॉडी, यानी तुतनखामुन की बॉडी के ऊपर जो रेजिन लगा हुआ था, उसके नीचे उनकी बॉडी की जो ब्रेस्ट बोन थी और उसके साथ साथ फ्रंट रिब्स जो थी वो लगभग मिसिंग थी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोचिए कि एक व्यक्ति जिसका एक्सरे निकाला जा रहा है, उसमें एक्सरे रिपोर्ट में क्या आ रहा है? एक्सरे रिपोर्ट में आ रहा है कि उनकी ब्रेस्ट बोन और उसके साथ साथ जो फ्रंट रिब्स होती है वो मिसिंग है फ्रेंड्स। तो इससे ही हम लोगों को पता चलता है कि शायद उस समय उनकी मर्डर हुई थी, है ना? ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी फ्रेंड्स, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ था। तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है कि दिस एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड, सॉरी फ्रेंड्स, दिस एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरे रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड हिज फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न आर्कियोलॉजी क्या बोलते हैं। टुडेज आर्कियोलॉजी फोकसेस लेस ऑन प्रेजेंट एंड मोर फोकस ऑन फैसिनेटिंग मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आज की जो आर्कियोलॉजी है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं उनकी डेथ के ऊपर, ना कि उनकी ट्रेजर्स कितनी थी, वो कितनी धनी थे, इस सब के बारे में आर्कियोलॉजी के जो आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग है वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग मोर इंटरेस्टेड है किसके ऊपर, उनकी डेथ के ऊपर। चलिए उसके बाद क्या है, किंग टूट डिवाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। He was last of his family's line and his funeral meant the end of his royal dynasty. देखिए फ्रेंड्स, तो हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है उनकी डेथ के ऊपर। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो किंग टूट थे वो थी अपनी फैमिली की सबसे लास्ट उत्तराधिकारी, और हो सकता है उस समय उनकी कोई राइवल होगी जो चाहते थे उनको मार देना, ताकि उनकी जो फैमिली है उनकी फैमिली की नामो निशान मिट जाए। क्यों? क्योंकि वो थी लास्ट उत्तराधिकारी, अगर उनको मार दिया जाए तो उनकी जो रॉयल डायनेस्टी है वो टोटली नष्ट हो जाएगी, वो टोटली डिक्लाइन हो जाएगी। तो शायद हो सकता है इसके लिए ही उनको मर्डर किया गया था। तो जिसका रिजल्ट हम लोग देख पाते हैं कि जब 1968 में उनकी एक्सरे निकाली गई, उनकी बॉडी की एक्सरे निकाली गई, तो एक्सरे में ये रिपोर्ट आई कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी और जो फ्रंट रिब्स थी वो मिसिंग थी। तो शायद उनको मर्डर किया गया था, जिसके कारण ही उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना? तो आई होप आप लोग समझ चुके हो। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक्सरे रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे उनके फैमिलीज के बारे में और क्या क्या हम लोग जान पाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देख लेते हैं किंग टूट की फैमिलीज के बारे में कुछ जानकारी, यानी वो कौन से फैमिली से बिलोंग करते थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, किंग टूट एंड हिज रॉयल फैमिली। Grandfather was a famous faraon. यानी हम लोग क्या जान पा रहे हैं, Amenhotep III नाम की कोई फाराओ थे, वो हो सकती है किंग टूट की फादर और ग्रैंडफादर होंगे। तो जिन्होंने लगभग 40 साल तक इजिप्ट में राज किया था, तो वो थे वहां की बहुत ही फेमस और शक्तिशाली एक फाराओ थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं उनके बाद क्या कौन आया। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. तो फ्रेंड्स हम लोग जान पा रहे हैं Amenhotep III जो थे वो बहुत ही फेमस फराओ थे इजिप्ट में। उनके समय उनके राज्य की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो बिल्कुल भी पीक पर थी, लेकिन उनके बाद आए उनके बेटे Amenhotep IV, जिसमें शुरू हो गया एक strangest period की। तो चलिए देखते हैं क्यों इस पीरियड को स्ट्रेंजेस बोला जा रहा है। तो ही प्रमोटेड हिज वर्शिप ऑफ एटेन एंड चेंज हिज नेम एथिनटन। ही मूव्ड हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेबेस टू एथिनटन नोन एज एमरन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हम लोग जान पा रहे हैं एमेनहोटेप की जो सन थी उसके नाम क्या थी, Amenhotep IV। लेकिन जब वो शासन काल में आए, यानी जब वो गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने अपनी जो नेम थी उसको चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि वो थी वर्शिप ऑफ एटेन, यानी वो एटेन की वर्शिपर थे। तो एटेन मींस द सन डिस्क, ठीक है, और इसके कारण उन्होंने अपने नाम को भी चेंज कर लिए थे। अब उनका नाम क्या था, अब उन्होंने अपने नाम रखे थे एकेनटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम लोगों ने क्या देखा, उनकी नाम थी Amenhotep IV, यहाँ पर है फ्रेंड्स Amenhotep IV, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम को चेंज कर लिए और उनकी जो न्यू नेम थी उसकी नेम थी एकेनटन। क्यों? क्योंकि वो थी एटेन की वर्शिपर। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी, यानी थेबेस से अपनी जो कैपिटल थी वो कहीं और शिफ्ट कर दिए थे। कहाँ? एथिनटन, यानी प्रेजेंट डे में जो अमरना में उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद उन्होंने और क्या क्या किए थे। तो चलिए फ्रेंड्स
अब हम देखते हैं एमएन होटेल और क्या क्या किए थे। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने अपने राज सिंहासन पर बैठने के बाद ही अपने नेम को चेंज कर दिए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं उन्होंने और क्या क्या किए थे। यहाँ पर लिखा है कि फादर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून इमेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। तो उन्होंने उसके साथ साथ और क्या किए थे फ्रेंड्स, उन्होंने वहाँ की जो मेजर जो इम्पोर्टेंट गॉड थी उनकी जो टेम्पल थी उसके ऊपर उन्होंने अटैक किए थे और उसके साथ साथ उन्होंने और क्या किए थे, उन्होंने स्मैश कर दिए थे उनकी जो जो इमेजेस थी उनकी जो जो टेम्पल थी वो टेम्पल भी उन्होंने बंद कर दिए थे। तो ये एक बहुत ही ये जो काम उन्होंने करे थे ये बहुत ही एक शॉकिंग था उन रीजन के लोगों के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक एमएन होटेल 3 जब जिंदा थे तो उन्होंने अपनी कंट्रीज की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसको बिल्कुल टॉप पर पहुंचा दिए थे। लेकिन उसके बाद जब उनकी जो बेटे आए यानी एमएन होटेल 4 उन्होंने आके इतना अत्याचार किए थे अपने राज्य के लोगों के ऊपर जो उनके लोगों के लिए भी बहुत ही शॉकिंग था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी यहाँ पर बोला है कि ही फादर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून यानी यहाँ तक कि वहाँ की जो मोस्ट फेमस जो गॉड थे वो उनके ऊपर भी अटैक किए थे और उनकी जो टेम्पल थी और उनकी जो इमेजेस थी वो सब स्मैश कर दिए। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं इसके बाद और क्या है। रे जॉनसन द डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर सेड इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम। तो रे जॉनसन नाम की एक व्यक्ति थे वो कौन थे फ्रेंड्स, वो थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर जिन्होंने ये बोला था कि हो सकता है इस जो टाइम पीरियड जो थी ये बहुत ही हॉरिफिक थी फ्रेंड्स। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स हम लोग तो सब समझ पा रहे हैं कि कितना अत्याचार उन्होंने अपने राज्य के ऊपर किए थे। उसके साथ उन्होंने और क्या बोला था, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। जो उन्होंने और क्या बोला था, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड यानी जो रॉयल फैमिली इतनी प्रॉस्पर थे जो रॉयल फैमिली इतनी फेमस थी जो अपने राज्य की प्रॉस्पेरिटी को इतने टॉप पर पहुंचा दिए थे अब जाके उनकी जो उत्तराधिकारी आए यानी एमएन होटेल 3 के बेटे की अत्याचार के लिए ये जो फैमिली थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, आफ्टर हिज डेथ ए मिस्टीरियस रूलर रूल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड। तो जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आए थे जिन्होंने कुछ समय के लिए उस एरिया पर राज किए थे। उसके बाद कौन आते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं हमारे जो स्टोरी के हीरो यानी तूतनखामुन। तो इसके लिए यहाँ पर बोला है एंड देन ए वेरी यंग तूतनखामुन टुक द थ्रोन एंड सून ही चेंज्ड हिज नेम तूतनखामुन लिविंग इमेज ऑफ अमून। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आए एक बहुत ही छोटा लड़का जिन्होंने आके उस सिंहासन पर बैठे थे। उसकी एक्चुअल नाम क्या थी, उसकी एक्चुअल नेम थी तूतनखामुन लेकिन उन्होंने राज सिंहासन पर बैठने के बाद अपनी नेम को चेंज कर लिए थे। उनकी नाम अब क्या हुए, उनके नाम अब हुए तूतनखामुन द लिविंग इमेज ऑफ अमून। देखिए फ्रेंड्स उनके पापा जो थे यानी सॉरी फ्रेंड्स उनके पहले जो राजा थे यानी एमेनहोटेप 4 उन्होंने आके जो अमून थी उनकी यानी मेजर गॉड ऑफ इजिप्ट उनकी जो टेंपल थी उनकी जो इमेजेस थी उसको सब स्मैश कर दिए थे, उसको विनाश कर दिए थे। लेकिन जब तूतनखामुन आए उन्होंने आके फिर से उनकी जो फैमिली की जो परंपरा थी यानी जो मेजर गॉड उनकी वर्शिप करना यानी गॉड ऑफ अमून सॉरी फ्रेंड यानी गॉड अमून उनकी सम्मान के लिए उन्होंने फिर से अपना नाम चेंज कर दिए। उन्होंने क्या रखा, उन्होंने अपना नाम रखा तूतनखामुन जिसका नाम है जिसका मीनिंग है लिविंग इमेज ऑफ अमून। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तूतनखामुन
ज्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाए। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जिसके कारण उनकी ये मृत्यु एक मिस्टीरियस मृत्यु थी, तो इसके लिए ही हम लोग आज उनके जीवन के ये जो मिस्ट्री है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बिल्कुल इस स्टोरी की लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उनकी यानी तुतनखामुन की मामिस की स्कैन कैसे हुई। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मामिस टू बी स्कैन, यानी हम लोग जो जान पा रहे हैं तुतनखामुन की जो मामी थी वो थी बिल्कुल ही फर्स्ट जो मामी बहुत सारे मामीज के बीच में जिनकी बॉडी का स्कैन हुआ था। तो चलिए देखते हैं अब क्या हुआ। एसीटी मशीन स्कैन की मामी हेड टू टो, यानी ये जो सीटी स्कैन की जो मशीन थी वो मशीन उनकी जो बॉडी थी, बॉडीज की टोटली जो फुल बॉडी थी, बॉडीज का स्कैन किए थे। यानी ये जो सीटी स्कैन जो मशीन थी उस मशीन के अंदर तुतनखामुन की जो बॉडी थी उसका पूरा डिटेल चेकिंग हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन द वर्कमैन कैरेड टू फ्रॉम टॉम इन हिज बॉक्स, यानी जिस दिन उनकी स्कैन हुई थी उस दिन जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो सब लोग मिल के उनकी बॉडी को मामीज की जो बॉक्स होती है उन बॉक्स से उनको निकाला और उसके बाद उनकी टोटल बॉडी की स्कैन किया गया। अब हम लोग देखते हैं उनके जो स्कैन मशीन थी वो मशीन किन लोगों ने प्रेजेंट किया था। तो हिज बॉडी वाज स्कैन्ड बाय ए पोर्टेबल स्कैनर डोनेटेड बाय नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस, यानी जो पोर्टेबल स्कैनर पर उनकी बॉडी का स्कैन हुआ था वो बेसिकली डोनेटेड था किन लोगों की तरफ से, नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस की तरफ से। यानी देखो फ्रेंड्स, हम इस जो वर्ल्ड में हर एक लोग जानना चाहते थे कि तुतनखामुन की डेथ कैसे हुई थी। ये इतनी मिस्टीरियस एक स्टोरी थी जिसके कारण नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी भी इस जो काम थी यानी जो आर्कियोलॉजिकल जो काम थी उनमें ये लोग भी इन्वॉल्व हुए थे और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की काम को और भी आसान करने के लिए वो लोग एक पोर्टेबल स्कैनर भी उन लोगों को डोनेट किए थे। उसके बाद क्या हुआ, इनिशियली दिस स्कैनर वाज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, क्यों, बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था स्टोरी के पहले पार्ट में, जब यानी जिस दिन उनके मामी को यानी उनके बॉडी को उस टॉम के बॉक्स से निकाला गया तो उस दिन वेदर की कंडीशन बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिसके कारण ये जो स्कैनर मशीन थी इस स्कैनर मशीन पहले ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि कूलर फैन के अंदर सैंड घुस गया था। उसके बाद क्या हुआ, बट आफ्टर दैट द स्कैन वाज परफॉर्म प्रॉपरली, लेकिन उसके बाद उनकी जो बॉडी की जो स्कैन हुई थी वो स्कैन बिल्कुल भी प्रॉपरली बहुत वेल मैनेज तरीके से हुई थी। अब हम लोग क्या देखें, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो तुतनखामुन की मामी की जो स्कैन हुई थी वो स्कैन प्रॉपरली मेंटेन तरीके से हुई थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई थी। तो इसके लिए ही यहाँ पर बोला है, द सीटी स्कैन शोड द होल एस्ट्रोनिजिंग इमेजेस ऑफ टूट द होल इमेजेस ऑफ हिज बॉडी। तो यही मैं पहले आप लोगों को बोला कि उनकी बॉडी की जो स्कैनिंग हुई थी वो प्रॉपरली बिल्कुल ही खूबसूरत तरीके से हुई थी। उसके बाद चाहिए हवा स्माइल अनविजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। तो जाहिर हवा जो थे वो उनको देख के लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, बहुत रिलैक्स थी कि चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एट लास्ट हम लोग क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, जस्ट अबाउट द एंट्रेंस ऑफ टू टॉम स्टूड ओरियन द कॉन्स्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्ट न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ आफ्टरलाइफ वाचिंग ओवर द बॉय की। यानी फ्रेंड्स, ये लाइन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जिस दिन उनकी बॉडी की स्कैनिंग हुई थी ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान भी आके उनको देख रहा था। कौन सी भगवान, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ,
क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जो सुतेल खाउन थी वो बहुत ही प्योरली एक छोटा बच्चा था जिनकी शायद मर्डर किया गया था, जिसके बारे में इतने सालों के बाद सब लोग जान पा रहे हैं। इसके लिए ही यहाँ पर बोला है कि शायद ऐसा लग रहा था कि शायद भगवान आके उनके टॉम के माथे के सामने खड़ा हुआ है और भगवान ऊपर से उनको देख रहा है। कौन थी फ्रेंड्स? जो बॉय किंग थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी टोटल स्टोरी। आज हमने इस स्टोरी को खत्म कर दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। फ्रेंड्स मैं अब चलती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे रहो, खुश रहो और अच्छे से पढ़ें।